तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि टिकटॉक अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें। टिकटॉक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए जस्ट मैं आपको 3 स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपने इनको फॉलो किए तो आप 100% तक अपने जो फ्रीज वाला अकाउंट है उसे अनफ्रीज कर सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो थर्ड वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस, आपको क्या करना, इनको मिस नहीं करना होगा, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना होगा। तो आप 100% तक जो फ्रीज वाला अकाउंट है आप उसे अनफ्रीज कर सकते हो। तो इसके लिए फर्स्ट अभी हम चलते हैं टिकटॉक पर। यहाँ पर आने के बाद फर्स्ट में इसकी यूजर नेम इसे कॉपी करना होगा एंड इसका एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। इस तरह स्क्रीनशॉट लेने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ से जाना होगा गूगल पर। यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से अभी हम चलते हैं गूगल पर। अभी हमें आना गूगल पर। गूगल पर आने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा? टिकटॉक फीडबैक। आपको यहाँ पर सर्च करें कि टिकटॉक फीडबैक, इस तरह सर्च करें। सर्च करने के पास में एक वेबसाइट आ जाती है, इस वाले वेबसाइट पर करते हैं हम क्लिक। फर्स्ट स्टेप है यही है, जो सेकंड एंड थर्ड स्टेप आपको क्या करना, उनको भी मिस नहीं करना होगा। फर्स्ट स्टेप यही है, हमें यहाँ से एक रिपोर्ट लगाने वाले टिकटॉक टीम को। फर्स्ट में टॉपिक दिया तो आप क्या करना होगा, यहाँ से अपनी जो टॉपिक है उसे सिलेक्ट करें। फर्स्ट वाले जो ऑप्शन पर अपने टॉपिक को सिलेक्ट करें, जिसमें फर्स्ट वाले अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते यहाँ से, सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिया कैटेगरी, अपनी कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट करें। नीचे कैटेगरी को हम करते हैं यहाँ से सेलेक्ट, अदर वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर अपनी ईमेल को लगाना होगा एंड यूज़र नेम। फर्स्ट में मैं एक ईमेल यहाँ पर लगाना, ईमेल लगाने के बाद यहाँ पर अपनी जो यूज़र नेम उसे लगाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर उसी यूज़र नेम को लगाना होगा जैसे कि अपने फर्स्ट में कॉपी किया, तो यूज़र नेम को यहाँ पर लगाना होगा एंड यहाँ पर लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा क्या करना होगा, इनको मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है आप वहाँ से इनको स्क्रीनशॉट लेना होगा एंड फिर इस तरह लिखना होगा। मैं इनको अपने वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देने वाला हूँ, आपको क्या करना है वहाँ से जाना होगा एंड एक एक करके इनको रीड करके यहाँ पर आकर पेस्ट करना होगा एंड यहाँ से एक पिक्चर लेना होगा। जो कौन सा पिक्चर, वही जो आपने एक स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट को यहाँ पर लगाना होगा एंड इनको ऑन करना होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड को ऑन करना होगा एंड पर हम करते सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक। कहाँ पर क्लिक करें, फिर करते हैं सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक। जो फर्स्ट वाला स्टेप है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम जाते हैं एंड जो सेकंड स्टेप उसे फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं, अभी हम क्या करना होगा, सेकंड स्टेप को फॉलो करना होगा। जब हम सेकंड स्टेप को फॉलो करते हैं, जो थर्ड वाले को फॉलो करते हैं, जो हमारा अकाउंट है वो खुद ही अनफ्रीज होगा। हमें वहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, अब 1-2 दिन के बाद हमारा जो अकाउंट है वो खुद ही अनफ्रीज होगा आपके आंखों के सामने। सर सबमिट करना होगा, यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर जस्ट आपको थोड़ा वेट करना होगा, 1-2 मिनट तक आप यहाँ पर वेट कर सकते हो। अगर आपने वेट नहीं किया तो ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह आपके सामने एक वेरीफाई वाला ऑप्शन आ जाती है, यहाँ से सर कंप्लीट करें। जब आप कंप्लीट करते हो तो ये खुद ही सबमिट होगा। तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ा वेट करते हैं। तो इस तरह रिक्वेस्टिंग सबमिटेड, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग टिकटॉक, इस तरह आपके सामने ऑप्शन आ जाते, इसे ओके करें। यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, जब ये आया तो आपका जो फर्स्ट वाला स्टेप वो कंप्लीट हो, जब तक ये नहीं आया तो आपको क्या करना, तब तक यहाँ पर काम करें। अभी हम चलते हैं जो सेकंड स्टेप उसे फॉलो करते हैं। सेकंड स्टेप के लिए अभी हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टिकटॉक को सर्च करना होगा। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक एंड यहाँ पर सर्च करते हैं टिकटॉक, इसे सर्च करते हैं। यहाँ से सर्च करने के बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना, इसे अपडेट नहीं करना होगा, यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से भी एक रिपोर्ट लगाना होगा। वही आपको क्या करना, उसी मैसेज को यहाँ पर पेस्ट करना होगा, जिस तरह मैंने लिखा आपको क्या करना, उसी को यहाँ पर पेस्ट करें इस तरह। फिर पोस्ट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने हमारा जो सेकेंड स्टेप वो भी कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम चलते हैं थर्ड वाले स्टेप को फॉलो करते हैं। थर्ड स्टेप के लिए अभी हम चलते हैं टिकटॉक पर। तो जो हमारा थर्ड वाला स्टेप है, आप क्या करना होगा, जाना टिकटॉक पर। टिकटॉक पर जाने के बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक। वहाँ पर क्लिक करने के बाद एनालिटिक वाले ऑप्शन पर करते हैं क्लिक एंड वहाँ से आपको जाना होगा एंड चेक करना होगा। आपके सामने इस तरह एक पेज होगा, वहाँ पर दिया कि आपका जो अकाउंट है वो मुकम्मल फ्रीज हो चुके हैं। उसे अनफ्रीज करने के लिए आपको एक ही काम करना होगा, आपको क्या करना, हर एक दिन अपने अकाउंट पर एक एक वीडियो अपलोड करना होगा, 1 महीने तक कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होगा। जब तक आपने 1 महीने तक वीडियो को अपलोड नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज नहीं होगा। फ्रीज इस वजह से हुआ क्योंकि आपने अपने अकाउंट पर वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया। पहले आप अच्छी तरीके से वीडियो अपलोड करते थे, क्या कि 1-2 वीक तक वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया। जब आपने छोड़ दिया तो टिकटॉक टीम ने क्या किया, आपके अकाउंट को
फ्रीज किया। अगर आप उसे अनफ्रीज करना चाहते हैं तो फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करना होगा। जब आप फिर से वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट करते हैं तो अंडर पर आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। फ्रीज इस वजह से हो चुके कि आप वीडियो अपलोड नहीं करते। हाँ, अगर आपने फिर से वीडियो को अपलोड करना स्टार्ट किया तो 100% आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा। आपको जस्ट 10 20 30 दिन तक हर एक दिन एक एक अच्छी वीडियो अपलोड करना होगा। जो फर्जी पर्सन होंगे वहाँ से अपलोड करना होगा तो 100% की जो अकाउंट है वो फिर से अनफ्रीज होगा। एंड आप जल्दी ग्रो भी कर सकते हो, अपने एक वीडियो को वायरल भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग परेशान है कि हमारा जो अकाउंट है वो फ्रीज है, हम उसे अनफ्रीज कैसे करें। लेकिन कुछ यूट्यूबर बताते हैं कि इस तरह करें आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज होगा, इस तरह कभी भी नहीं होगा। अगर आपने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की तो आपका अकाउंट खुद ही अनफ्रीज होगा। अगर आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, इस तरह रिपोर्ट लगाया, तो कभी भी अनफ्रीज नहीं होगा। अगर आप उसे फ्रीज से अनफ्रीज करना चाहते हो तो उस पर जस्ट एक काम करना होगा, एक महीने तक वीडियो अपलोड करें। जब आप एक महीने तक वीडियो अपलोड करते हो तो 100% आपका जो अकाउंट है वो फिर से अनफ्रीज होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नया एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।